नमस्कार दोस्तों, आज हम पुराने कपड़ों का यूज करके लेडीज के लिए बहुत ही जरूरी और काम आने वाली चीज बनाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने एक पुरानी कुर्ती ली है। अब सबसे पहले कुर्ती का हम ये बॉर्डर कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से ये खुलेगी नहीं, तो इसे हम बॉर्डर को कट कर लेंगे यहाँ से। अब देखिए इंच टेप को रखेंगे, 22 इंच में निशान लगाएंगे। इस निशान को हम बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। इसे अलग रख देंगे। सबसे पहले इसमें सीधा निशान लगा लेंगे, इसे कट कर लेंगे। अब इस तरह रखेंगे इंच टेप को, 17 इंच में निशान लगाएंगे। पूरे में 17 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को सीधा मिला लेंगे, इसे कट कर लेंगे। अब एक पीस को अलग रख लेंगे, इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, सेंटर से कट कर लेंगे। अब इसे अलग रख लेंगे, सिंगल पीस लेंगे, इसे उल्टी तरफ पलट लेंगे। इस साइज के हमने राइस बैग में से एक पीस कट कर लिया है। लाइनिंग का कपड़ा लेंगे। अब इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, सेंटर में भी सिलाई लगा लेंगे इसके। देखिए इसके चारों तरफ हमने किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है, सेंटर में भी सिलाई लगा ली है। एक बार फिर से इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। लेंथ इसकी 22 इंच और विड्थ है इसकी 17 इंच। ये देखिए, अब देखिए इंच टेप को इस तरह रखेंगे, 16 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर से भी रखेंगे, 16 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए इस निशान से इस तरह फोल्ड करेंगे, एक बार फिर से फोल्ड करेंगे इस निशान तक। ये देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इस निशान से इस तरह फोल्ड करेंगे, एक बार फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस निशान से यहाँ तक सिलाई लगाइए और इस निशान से यहाँ तक। अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब इसे हम अलग रख देंगे। अब देखिए सिलेंगे, दो पीस कट किए थे हमने, विड्थ है इसकी 17 इंच और लेंथ है इसकी 11 इंच। देखिए ट्रांसपेरेंट पिन्नी ली है मैंने, जो हमारे नए कपड़ों में आती है, और इस तरह की ट्रांसपेरेंट पिन्नी से हम बच्चों की कॉपी में कवर भी चढ़ाते हैं। ये हमें स्टेशनरी शॉप पर आसानी से मिल जाती है। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको, विड्थ है इसकी 17 इंच और लेंथ है इसकी 6 इंच। अभी सिलेंगे, सीट को इस तरह रखेंगे कपड़े की सीधी साइड में। इसे लेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब इस तरह कपड़े को पलटेंगे। देखिए इस तरह से अब एक साइज के बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। ये देखिए अब इस तरह खोलेंगे, इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसे पकड़ेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। इसे अलग रख देंगे, इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे। अब इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे। देखिए नीचे से बराबर, देखिए इस सिलाई तक। अब इसमें यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। देखिए अब देखिए इस तरह से इंच टेप को रखेंगे, 4 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए मैंने दो वेलक्रो लिए, वेलक्रो की जगह आप टिच बटन ले सकते हैं। इस निशान पर रखेंगे इस तरह से। अब इसकी चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों की सिलाई लगा ली हमने। अब इसे इस तरह बंद करेंगे, इन्हें लेंगे, हल्का सा इसमें लगाएंगे इस तरह, इसे इसमें लगाएंगे, खोल लेंगे। अब
इनके चारों तरफ निशान लगा लेंगे। देखिए इस निशान पर रखेंगे, इसकी चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें साड़ी रख लेंगे नीचे वाले पोर्शन में, और इस वाली पॉकेट में हम इस साड़ी के मैचिंग साड़ी ब्लाउज डाल लेंगे। ये देखिए नीचे वाली साइड हमने साड़ी रख दी है और इसमें मैचिंग पेटीकोट ब्लाउज रख लिए हैं। ये देखिए हमारी सुंदर साड़ी का और बिल्कुल रेडी है।